आपका 70% लोन माफ हो सकता है। आपका कोई सिक्योर लोन है, किस तरह का सिक्योर लोन को आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं, कोई पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते प्रणाम सलाम अलैकुम सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे लोक अदालत में जाके आपकी 30-35% में सेटलमेंट कैसे हो सकती है। साथियों अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो इसको कोई रिसीव नहीं करेगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपके पास रिप्लाई आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे तो कोई इसको रिसीव नहीं करेगा। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कुंडली TDI में मिलता हूं, दिल्ली NCR के पास से आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, चाहे 5 लाख का लोन है, 50 लाख का है, 50 करोड़ का है या कितने भी करोड़ का है, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। कैसे, वो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इसको सेव करके तो आपको सारा प्रोसेस पता लग जाए, क्योंकि ये मेरी टीम के पास होता है। साथियों जैसा कि बहुत से आदमी के पास लोक अदालत का नोटिस आता है, जो कि बात मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी, ये आपका सिविल खराब कर देंगे, इनके पास एक ब्रह्म अस्त्र है, उसको छोड़ेंगे आपका सिविल खराब हो जाएगा। हां अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, बहुत से एजुकेशन लोन सिक्योर भी होते हैं और बहुत से अनसिक्योर भी होते हैं, अगर ये आपका इस टाइप का कोई लोन है और आपसे वो भरा नहीं जा रहा, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राहु और केतु ग्रह तो आपका करेंगे क्या। साथियों अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ रहा है तो आप डरे घबराए नहीं, लोक अदालत का मतलब तो अदालत ही है, जज साहब ही वहां बैठते हैं, लेकिन उसमें कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है आपका जाना। किसी बैंक या NBFC कंपनी ने आपके पास लोक अदालत का नोटिस भेजा, लोक अदालत का मतलब क्या है, लोक अदालत का मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में समझौता की अदालत, ये टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं और मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता देता हूं। यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा चैनल लोन से रिलेटेड जो वीडियो बना रहे हैं, सबसे ज्यादा चैनल अमरदीप कादियान का चला हुआ है, क्योंकि ये कुछ भी बोले मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। लोक अदालत का मतलब है सेटलमेंट अदालत, समझौता अदालत। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोक अदालत से नोटिस आया, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया, कोई बात नहीं भाई, आपने उसको रिसीव कर लिया, आप गए ही नहीं, तब भी कोई बात नहीं भाई, वो तो समझौते की अदालत है, तो अदालत ये समझ जाएगी आप समझौता करना नहीं चाहते। आपने रिसीव कर लिया, आप चले भी गए, तो वहां पे कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं आपके ऊपर डाला जाएगा। हाँ ये हो सकता है कुछ बैंक NBFC कंपनी वहां पर जाके आपको डराए, क्योंकि वहां सामने जज साहब बैठे हैं, आपको ये कहा जाए भाई या तो समझौता कर ले इतने परसेंट पर, नहीं तो तेरी जेल हो जाएगी, ना तो आपकी वहां कोई जेल होगी और ना वहां पे कभी किसी की जेल होती है, आपने की मर्जी है, आप वहां जाके समझौता करें, आप जाके चाहे ना करें वो आपकी मर्जी है। अब वहां हो सकता है वो आपको 80% में बोले भाई जितने पैसे आपने देने हैं भाई 80% दे दो, सेटलमेंट कर लो। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लोक अदालत में जाके आपने सेटलमेंट कर ली, समझौता कर लिया, तो दुनिया सारे देश की किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही तो वो बैंक और NBFC कंपनी कर सकती, ना ही आप कर सकते, आप तो खुद से ही सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप तो क्या करेंगे, वो बैंक या NBFC कंपनी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि लोक अदालत में ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता होता है वहां। अब यहां तक बात क्लियर होगी। अब होता क्या है, किस सिनेरियो में 30-35% तक बैंक या NBFC कंपनी सेटलमेंट पे आ जाते हैं, क्या कारण है भाई, सेटलमेंट तो सीधा हिसाब है, वही लगी फटने खरात लगी बटने,
लोग कहते हैं लोन माफ हो गया, भाई लोन माफ नहीं होता, 20 रुपए का भी माफ नहीं होता। वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, जितना ज्यादा किसी का ज्यादा टाइम बीत गया, 1.5-2 साल हो गया उसने पैसे नहीं दिए, तो उतना ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी को ये लगेगा भाई ये पैसे तो मर गए, खत्म हो गए, तो मिलते नहीं। भागते चोर की लंगोटी से, यार चोर भाग रहा है वो पकड़ा जा रहा, लंगोटी खींच लो उसकी, लंगोटी बांध लेंगे यार, और क्या करेंगे, सामान तो ले ही गया वो। ये चीज है। अब आप क्या खुद से भी लोक अदालत में जा सकते हैं? हां जा सकते हैं आप, लोक अदालत सबके लिए खुली है, आप भारत के नागरिक, आप भी लोक अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत में जाने का फायदा क्या है भाई? सबसे पहले तो वहां कोई कोर्ट फीस नहीं है, दूसरा आपकी कोई वकील की फीस नहीं लगेगी, आपको कोई वकील करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जाके वहां पेश हो जाओ। अब सवाल ये आता है कि सर लिखवाना क्या है? अरे भाई वहां कोर्ट में चले जाओ, वहां स्पेशलिस्ट हैं, टाइपिस्ट, आजकल तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर राइटर, वो लिख देंगे, उनका तो रोज का काम है, उसको अपनी समस्या बता दो, उसमें लिख देंगे, 100 रुपए लेंगे आपसे, 200 ले लेंगे, बस वही 200 रुपए लगे, जाकर उसमें पेश करो। तो पहला फायदा क्या हुआ? कोर्ट फीस नहीं लगी। दूसरा फायदा क्या हुआ? वकील की फीस नहीं लगी। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, कोर्ट में अगर कोई आप सिविल का केस करेंगे, आपके ऊपर कोई करे, आप किसी के ऊपर करेंगे, तो भैया 35-40 साल लग जाए हमारे देश में लगभग, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते, लोअर कोर्ट से केस स्टार्ट होएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते इतना टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में आप भी हरिद्वार जा लोगे, और जिसने पैसे दिए कौन सा 99 साल जिएगा भाई, वो भी हरिद्वार जा लेगा। उसमें क्या है, लोक अदालत में क्या है भाई, दिन के दिन फैसला आ जाए, 2 घंटे में फैसला आ जाए, मियां बीबी राजी क्या करेगा, काजी यार दोनों ने सेटलमेंट कर ली, दोनों ने आपसी समझौता कर लिया, बैंक ने और आपने, या एनबीएफसी कंपनी और आपने, तो जज साहब उसको अलाउड कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे उस पर, अपने साइन हो जाएंगे, बस जज साहब के बस, अब वो कहीं चैलेंज नहीं होगा, उतने पैसे दे दो। अब सवाल ये आता है कि सर मान लो 10 लाख रुपए का है और मेरा 3-3.5 लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया, मेरे पास 3.5 भी नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, उसकी भी किस्त कर लेंगे, वो सेटलमेंट के टाइम पर कंडीशन रख देना, उसकी 3 किस्त भी कर लेंगे, उसकी 6 किस्त भी कर लेंगे। तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इस कोर्ट में जाने से, लोक अदालत में। अगर आपके पास नोटिस जा रहा है तो मैंने सारी क्लियर कर दिया है कि किस किस सिचुएशन में आपके पास नोटिस आ सकता है, या आपके पास नोटिस आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अब अगर आपका सिक्योर लोन है, क्या वो भी लोक अदालत में जा सकता है? अरे भाई जा तो सकता है, पर उसमें लोक जो सिक्योर लोन है उसमें सेटलमेंट बैंक करता नहीं है। एक सिनेरियो में बैंक कर लेता है, भाई बैंक ने लेने तो 1 करोड़ रुपए हैं, और जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज कर रखी उसकी कीमत ही 65 लाख रुपए है। अब बैंक का पैसा फंस गया ना, अब बैंक को पता है यार इसको बेचूंगा, खोपड़ा खराब करूंगा, सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजूंगा, पहले तो एनपीए में डालना पड़ेगा, 3 महीने लगेंगे, उसके बाद 13-2 का नोटिस, 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, 5 महीने हो गए, उसके बाद फिर 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा, 13-4 का नोटिस भेजेंगे आपके पास सरफेसी एक्ट के तहत ही, 6 महीने हो गए, फिर डीसी साहब के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए, और फिर उसको बिके ना बिके 65 लाख की चीज है, बैंक पता तो लोक कबाड़ी के रेट में खरीदा, मार्केट रेट में तो आम आदमी बैंक से प्रॉपर्टी खरीदता ही नहीं, वो तो कोई डीलर खरीदेंगे, कोई जिसको कागजों की समझ होगी वो खरीदेगा बैंक से। अब बैंक तो कबाड़ी के रेट में बिकेगी, बैंक ने लेने 1 करोड़ रुपए हैं, इस सिनेरियो में बैंक सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाता है। अदरवाइज लेने बैंक ने 65 लाख रुपए हैं और आपने 1 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है तो बैंक क्यों लेगा भाई, वो तो लेगा ही नहीं, क्यों, अरे अपना घाटा क्यों करेगा, चले जाओ लोक अदालत में, चले गए आप चले जाओ, वो आएंगे नहीं, वो आके बोल देगा भाई हम सेटलमेंट नहीं करते। जैसे आपके पास राइट्स हैं ऐसे उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास भी राइट्स हैं। हमारे देश के संविधान ने सबको एक बराबर अधिकार दिए हैं, जो सड़क पे भीख मांग रहा है उसके पास भी उतने ही राइट्स हैं, आपके पास भी उतने ही राइट्स हैं, मेरे पास भी उतने ही अधिकार हैं, मंत्री के पास भी उतने अधिकार हैं, संतरी के पास भी उतने अधिकार हैं, जो बाहर गार्ड का काम कर रहा है उसके पास भी उतने अधिकार हैं, चाहे भले वो प्राइवेट है, और जो मंत्री है उसके पास भी उतने अधिकार हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर लोन नहीं भी दिया जा रहा है
तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गाली गलौच कर सकता है, ऊंची आवाज में बात कर सकता है, चिल्ला चिल्ली कर सकता है, तू तड़ाक कर सकता है, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर सकता है, या आपके मोहल्ले पड़ोस में लोगों को बता सकता है, या जबरदस्ती आपके घर में आके बैठ सकता है कि भाई मैं तो चार घंटे जाता ही नहीं, मैं तो शाम तक जाता नहीं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। जानकार बने, सुरक्षित रहे। एक बार सभी मिलके जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।